सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत पीएनडीटी टीम लगातार छापेमारी कर रही है और उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित एक बुटीक के अंदर लिंग भ्रूण जांच का अवैध कारोबार चल रहा था, जिसका सोनीपत पीएनडीटी की टीम ने पर्दाफाश किया है और बुटीक संचालक फरमान और मुनेश नाम की महिला को रंगे हाथों पकड़ा है। फिलहाल पीएनडीटी टीम ने महिला और शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया और अब मामले में बागपत थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये तस्वीरें देखकर आप विचलित हो सकते हैं कि आखिरकार जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित एक ट्रेंड्स द ब्रांड नाम के बुटीक सेंटर की है, जहां पर आपको चारों तरफ महिलाओं के लिए सामान रखा मिला है और ब्यूटी पार्लर का काम भी होता है। लेकिन जब आप हकीकत जानेंगे तो हैरान हो सकते हैं। आपको बता दें कि इसी बुटीक सेंटर के अंदर अवैध तरीके से पूर्ण लिंग जांच का अवैध कारोबार चल रहा था। सोनीपत पीएनडीटी अधिकारी सुमित कौशिक को गुप्त सूचना मिली थी कि बुटीक सेंटर के अंदर भ्रूण लिंग जांच की जाती है। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर जयकिशोर के निर्देश अनुसार पीएनडी टीम अधिकारी डॉक्टर सुमित कौशिक ने एक टीम का गठन किया और डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर दीपक, मनोज और रितिक की टीम बनाई गई, जिसके बाद उन्होंने गर्भवती महिला को यहां पर जांच करवाने के लिए भेजा। महिला ने मुनीश नाम की महिला से संपर्क किया और 15,000 रुपए में सौदा तय हुआ, जिसके बाद मुनीश नाम की महिला गर्भवती महिला को ट्रेंड्स द ब्रांड नाम के बुटीक सेंटर पर लेकर पहुंची और उसके बाद बुटीक के अंदर ही बनाए गए एक कमरे में पोर्टेबल मशीन की सहायता से महिला की जांच की गई और उनके गर्भ में लड़का होने की बात कही गई। इसके बाद पीएनडीटी टीम ने बुटीक संचालक फरमान और महिला मुनीश को रंगे हाथों पकड़ लिया। महिला मुनीश से 7500 और बुटीक संचालक फरमान से भी 7500 रुपए बरामद हुए हैं। फिलहाल बागपत पीएनडीटी अधिकारी और पुलिस को बुला लिया गया है और अब मामले में ये जांच की जा रही है। ये पिछले काफी समय से जो हमारी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है सोनीपत की, सिविल सर्जन सोनीपत जो है, उनको काफ़ी समय से गुप्त सूचनाएं मिल रही थी कि बागपत के क्षेत्र में कुछ इस तरीके के नेक्सस जो हैं इन्वॉल्व हैं, जो कि गर्भ में लड़का होना बताते हैं चेकअप द्वारा और भ्रूण लिंग की जांच में वो संलग्न हैं। इस तरह कुछ नेक्सस जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो एक्टिव हैं सोनीपत के आसपास, जिसके उपरांत आज सिविल सर्जन सर ने एक टीम का गठन किया, जिसमें मैं, डॉक्टर सुमित कौशिक नोडल ऑफिसर पीएनडीटी, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा एसएमओ सोनीपत से और डॉक्टर दीपक कौशिक मेडिकल ऑफिसर, इन हम तीनों लोगों की टीम का गठन किया गया और हमने एक जो है एक डिकॉय महिला ग्राहक जो है उसको तैयार किया और जिससे कि हमने एक बागपत की रहने वाली जो एक दलाल है उनसे उस डिकॉय ने जो है संपर्क किया, तो उस जो वहाँ की जो दलाल थी उसने 15,000 रुपये में भ्रूण लिंग की जांच के लिए हमारे को बागपत, डिकॉय को बागपत आने के लिए बोला गया। तो मुनीश नाम की वो महिला थी जो बागपत में रहती हैं, तो आज जो है तकरीबन 9 बजे के आसपास हम वहाँ से, हम अपनी टीम को लेकर और वहाँ से हम निकले, जिसके बाद कोई बागू गांव है जिला बागपत में, यहाँ पे उस डिकॉय को उसने बुलाया था जो साथ में गाड़ी में बैठकर, और उसके बाद एक ये बुटीक है ट्रेंड्स बुटीक करके बागपत में ही, यहाँ पे वो उस डिकॉय, हमारी जो महिला प्रेग्नेंट लेडी थी उसको वो लेके आई और जिसके बाद उसने 15,000 रुपए लिए और यहाँ पे एक पोर्टेबल मशीन, जिससे कि जो वैद्य जो हैं अपने आप को वैद्य बता रहे थे उस डिकॉय महिला को, जिनका नाम जो है अरमान है, फरमान नाम है उनका, और उन्होंने जो है इसके लिए मतलब पैसे लेकर और एक पोर्टेबल टाइप की मशीन थी जिसको वो लैपटॉप से कनेक्ट करते थे अपने, और उसमें कुछ चिप लगी थी और उससे उस महिला की जो है जांच करी और उनके गर्भ में जो है लड़का होना बताया। इसकी सूचना जब हम ये ऑपरेशन कर रहे थे, जब हम वहाँ से चले, तो इसकी सूचना हमने यहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो डीएम साहब हैं और जो यहाँ की नोडल पीएनडीटी अधिकारी हैं, उनको हमने दे दी थी
और जिसके उपरांत उन्होंने भी हमारे को हमसे यहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया इस ऑपरेशन को, और एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद यहाँ पे हमने इनका जो भी मशीन है उसको सील कर दिया है, और जो पैसे बरामद हमने कर लिए हैं और जो भी कार्रवाई है वो यहाँ की जो लोकल टीम है वो कर रही है, हमारे द्वारा और लोकल टीम द्वारा करी गई है, पुलिस को हमने इन्फॉर्म कर दिया है, और बाकी इस बारे में FIR करवाई जाएगी, और जो भी आगे लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो आगे जो भी कार्रवाई होती है उचित कार्रवाई जिस जिस PNDT की IPC CRPC की धाराओं में उसमें कार्रवाई करके और इस बारे में। सर जो फरमान था वो कितने दिन से यहाँ बुटीक था, बुटीक के अंदर ही कोई कमरा था सर? देखिए जो हमने उससे बात करी फरमान से वो ये कह रहा है कि ये जो जिस तरह की जो मशीन इसके पास बरामद हुई है ये 2017 में, ये बता रहा है कि 2017 में ये कहीं दिल्ली से किसी से लेके आया था। तो जब हमने पूछा उससे कि आप हमें बताइए आप किससे लेके आए थे, तो उसने वो कह रहा है मुझे अब याद नहीं है और ना कोई इसका मेरे पास उसके पास कोई बिल उपलब्ध था इस समय। लेकिन अभी इस बारे में हम पुलिस को अपनी कार्रवाई हम करने को कहेंगे कि एक बार पुलिस जो है इस बारे में आगे पता लगाए कि इस तरह की कितनी मशीनें इस क्षेत्र में उपलब्ध हैं और किस तरह से लोग ये जाँचें करवा रहे हैं, ऐसा कौन कौन सा नेक्सेस है और कहां से ये मशीनें आ रही हैं इन लोगों के पास, इस बारे में तो है जो हम लोकल अथॉरिटी से कहेंगे एक बार पुलिस द्वारा गहनता से जांच होनी चाहिए ताकि इस तरह की जो गलत कार्रवाइयां हो रही हैं और जो भ्रूण लिंग की जांच हो रही है और ये इस बारे में बिल्कुल अंकुश लग सके।